अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू प्रिस्टो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंसुलेटर किसे कहते हैं और सबस्टेशन या इंडस्ट्रियल एरिया में कौन कौन सी टाइप के और कितनी किस्म के इंसुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं और इन इंसुलेटर को किस एरिया या कितने वोल्टेज लेवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इंसुलेटर किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ इंसुलेटर। दोस्तों, ये एक ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल है जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता। इंसुलेटर के एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली कैप्चर किया होता है और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इंसुलेटर में से करंट नहीं गुजर सकता। मतलब कि इंसुलेटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंसुलेटर में करंट गुजरना इंतहाई नामुमकिन हो। दोस्तों, अगर हम अपने इर्द गिर्द इंसुलेटर की एग्जाम्पल देना चाहें तो रबर, ग्लास, प्लास्टिक, लकड़ी या वुड, एयर वगैरह सब कॉमन इंसुलेटर हैं जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता। इसीलिए अगर किसी शख्स को करंट लग जाए तो उसे किसी लकड़ी या वुड की मदद से करंट सोर्स से अलग किया जाता है, तो उस शख्स की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें सबस्टेशन या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इंसुलेटर्स की, तो ये इंसुलेटर कुछ स्पेशल मटीरियल से बनाए जाते हैं। इनमें सबसे कॉमन मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं इंसुलेटर बनाने के लिए, उनमें पोर्सिलिन, ग्लास और पॉलीमर वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी टाइप्स के इंसुलेटर हैं जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंसुलेटर का नाम है वो है पिन टाइप इंसुलेटर। दोस्तों, इसे पिन टाइप इंसुलेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पिन की मदद से लगाया जाता है। इसके अलावा इसके ऊपरी हिस्से में ग्रूव बना होता है जिसके अंदर कंडक्टर रखकर इसे तार की मदद से कस दिया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर को लगाना काफ़ी आसान होता है और इसके साथ साथ ये बाकी इंसुलेटर से काफ़ी सस्ता भी होता है। याद रखें कि अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए पिन टाइप इंसुलेटर की शेप चेंज होती रहती है, जैसा कि इस फोटो में भी आप देख सकते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर मैक्सिमम 33 केवी वोल्टेज लेवल तक इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लेवल के लिए इनकी कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए पिन टाइप इंसुलेटर अप टू 33 केवी वोल्टेज लेवल तक इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, सेकंड इंसुलेटर पोस्ट इंसुलेटर है। पोस्ट इंसुलेटर का इस्तेमाल सब स्टेशन और पावर स्टेशन वगैरह में किया जाता है। ये 1930 में बनाए गए थे और 69 केवी वोल्टेज लेवल तक इस्तेमाल होते हैं। पोस्ट इंसुलेटर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और काफ़ी वजन बर्दाश्त कर सकता है। यही वजह है कि पोस्ट इंसुलेटर को सबस्टेशन में बस बार और केबल सपोर्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पोस्ट इंसुलेटर 380 केवी तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है, सस्पेंशन इंसुलेटर नॉर्मली ओवरहेड लाइन में केबल को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर 33 केवी वोल्टेज लेवल से ऊपर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सस्पेंशन इंसुलेटर एक्चुअल में पोर्सिलिन या ग्लास डिस्क्स को सीरीज़ में जोड़कर बनाया जाता है। नॉर्मली एक डिस्क 11 केवी वोल्टेज लेवल तक के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्क को वर्टिकली प्लेस किया जाता है और उसके सबसे ऊपर के हिस्से को टावर के साथ अटैच किया जाता है, जबकि नीचे के हिस्से पर कंडक्टर को फिक्स किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि एक डिस्क 11 केवी वोल्टेज तक का प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, तो 33 केवी के लिए तीन डिस्क को सीरीज़ में लगाकर 33 केवी वोल्टेज लेवल के लिए सस्पेंशन इंसुलेटर बनाया जा सकता है। यूं आप किसी भी टावर पर लगे डिस्क इंसुलेटर काउंट करके बता सकते हैं कि ये इस टावर पर कितने वोल्टेज लेवल की लाइन गुजर रही है। दोस्तों, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को 765 केवी वोल्टेज लेवल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप कोई ओवरहेड लाइन देखें तो डिस्क काउंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने मैक्सिमम कितने वोल्टेज लेवल की लाइन देखी है। दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर किसे कहते हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? दोस्तों, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर दिखने में और कैलकुलेशन में बिल्कुल सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की तरह का होता है, लेकिन ये इस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ ट्रांसमिशन लाइन का एंड होता है या ऐसी जगह यहाँ ट्रांसमिशन लाइन को मोड़ना होता है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को भी 765 केवी वोल्टेज लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का वोल्टेज लेवल भी सस्पेंशन इंसुलेटर की तरह डिस्क की तादाद काउंट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शैकल इंसुलेटर। दोस्तों, शैकल इंसुलेटर ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये मैक्सिमम 11 केवी वोल्टेज लेवल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको इसकी पिक्चर से पता चल रहा होगा, शैकल इंसुलेटर के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा मेटल पार्ट होता है जो कि पोल वगैरह पर फिक्स होता है और दूसरा हिस्सा पोर्सिलिन मटीरियल का होता है जिस पर कंडक्टर को फिक्स किया जाता है। दोस्तों, शैकल इंसुलेटर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से फिक्स किए जा सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन
लाइन को सपोर्ट करने के साथ साथ लाइन के लास्ट पोल पर कंडक्टर को होल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और ये एक ऐसा इंसुलेटर है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन का, जिसे आप सब ने अपने मोहल्ले या शहर में लगे इलेक्ट्रिकल पोल्स पर ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दें। दोस्तों लास्ट में हमारे पास है बुशिंग इंसुलेटर। दोस्तों ये इंसुलेटर ज़्यादातर ट्रांसफार्मर बुशिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बुशिंग इंसुलेटर किसी भी दीवार या पानी वगैरह से एक से ज़्यादा कंडक्टर गुजारने के लिए, इन कंडक्टर में एक जितनी जगह मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।